हाय फ्रेंड्स, मैं हूं असरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टाटा मेगा VS4 है। इसमें पिकअप लो और ब्लैक स्मोक है, यानी कि पिकअप पूरा लो है और ब्लैक स्मोक भी काफ़ी हाई है और माइलेज नहीं आ रहा है। मैं आपको ट्रायल करके दिखाता हूं। ये जो सिर्फ 61,000 किलोमीटर के पार कर चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक्सीलेटर काफ़ी समय से प्रेस करके रखा हूं, फिर भी पिकअप नहीं बढ़ रहा है। और धुएं की बात तो आप पूछो ही मत, धुआं बहुत ज़्यादा है। और एक्सीलेटर भी पूरा प्रेस करके रखा हूं, ये देख सकते हैं आप। गाड़ी जो है 60 की स्पीड को पार नहीं कर पा रही है, ओनली 60। और दोस्तों, मैं आपको धुआँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मिरर की मदद से कितना ज़्यादा ब्लैक स्मोक आ रहा है। मैं और एक बार आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना ज़्यादा काला धुआं आ रहा है। ये देखो, अगर खड़ा करके रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा काला धुआं आएगा। तो इस कंडीशन में इसका माइलेज भी काफ़ी कम है। तो कस्टमर का कंप्लेन है ब्लैक स्मोक, पिकअप लो एंड माइलेज डाउन। तो अब मैं स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, क्या क्या काम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने डीजल टैंक खोला हूं और डीजल टैंक का जो स्टेनर है, जो जाली है, उसे अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूं, जो भी गाड़ी का अगर ब्लैक स्मोक, वाइट स्मोक, पिकअप प्रॉब्लम, माइलेज प्रॉब्लम जो भी आए, पहले फ्यूल लाइन क्लीन करेंगे, उसके बाद दूसरा काम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दोनों डीजल फिल्टर खोल चुका हूँ। ये जो फिल्टर है, ये 40,000 किलोमीटर में चेंज होता है। ये जो फिल्टर है, देखो दोस्तों, ये जो मेटल का फिल्टर है, ये 40,000 किलोमीटर में चेंज, यानी 40,000 किलोमीटर। ये भी ओरिजिनल में है, जो कि मैंने देखा था 61,000 किलोमीटर चल चुका है। कस्टमर चेंज किया है या नहीं किया है मुझे पता नहीं, मगर मैं चेंज कर दूंगा। और ये जो दोस्तों पेपर फिल्टर है, आप देख सकते हैं पेपर फिल्टर पूरा ब्लैक हो चुका है। मैं नया वाला दिखाऊंगा, वो वाइट में आता है। पहले जरा उसे फूंक मार के आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, कितना ज़्यादा काला काला गंदगी आ रहा है। तो हो सकता है फ्यूल लाइन चोक की वजह से भी इसका ये प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी माइलेज प्रॉब्लम, पिकअप प्रॉब्लम, ब्लैक स्मोक, वाइट स्मोक जो भी आई, सबसे पहले फ्यूल लाइन पूरा क्लीन करेंगे और फिर दूसरे स्टेप को जाएंगे। जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि चेक इंजन लाइट नहीं जल रहा है, तो हम इसे मैन्युअली ही चेक करेंगे। ये दोनों फिल्टर हम नया लगवाएंगे और इसका सेंसर पहले खोल के निकाल दूँ। और ये जो है वाटर इन फ्यूल सेंसर, इसमें अगर पानी गया तो क्लस्टर मीटर पे एक लाइट जल जाएगा, हमें तुरंत पता चल जाएगा, जो कि डीजल लाइन में पानी पहुंच चुका है, और फिल्टर बदल दें। दोस्तों, ये जो फिल्टर आप देख रहे हैं पार्ट नंबर के साथ, एक मेटल का है और एक पेपर का है। ये जो है पेपर वाला फिल्टर है, जो 690 रुपये के आसपास है, और ये जो है मेटल का डीजल फिल्टर है, जो 1350 रुपये है। सबसे पहले ये दोनों टाटा पैक में है, ये दोनों को हम नया लगवाएंगे। दोस्तों, ये देखो, ये जो फिल्टर है पेपर का, वो कैसे पूरा वाइट है, और पुराने वाला का तो आपने देखा पूरा ब्लैक हो चुका है, गंदगी जा जा के। अब इसे हम नया लगवाएंगे और फिर स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और दोस्तों, मेटल का जो फिल्टर है आपको दिखा दूं, ये देखो दोस्तों, ये फिल्टर सेम है, मतलब कि इसका कभी चेंज शायद नहीं हुआ। ये भी बॉस का है, क्योंकि टाटा पैक के अंदर में बॉस का डीजल फिल्टर कंपनी दे रहा है। तो अब इसे फिटिंग करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, डीजल फिल्टर दोनों नया लग चुका है। ये देखो दोस्तों, दोनों डीजल फिल्टर लग चुका है। जैसे कि मैंने बताया था, ये टाटा मेगा VS4 है। अब आपको मैं स्टार्ट मार के दिखाता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। काला धुआं जो है, वो अगर बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका पिकअप भी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले स्टार्ट मार दूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि शॉर्ट टाइम में स्टार्ट जैसे होना चाहिए वैसे हो जा रहा है। मैं आपको एक्सीलेटर प्रेस करके दिखाता हूँ इसमें धुआँ है या नहीं है। आप देखते रहिए कंटिन्यू वीडियो को। धुआं शायद पहले से थोड़ा कम है। एक्सीलेटर करो, हाँ करो, पूरा फुल अप डाउन करो। दो
दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है धुआं कम गया, और एक्सीलेटर के हिसाब से लग रहा है जैसे पिकअप जरा सा बढ़ा है, मगर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि प्रॉब्लम सीधी बात सॉल्व नहीं हुआ है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, इंजेक्टर, बूस्ट प्रेशर सेंसर, टर्बो, EGR, इन्हीं में से कुछ हो सकता है। पहले इंजन कवर खोलते हैं, एक एक चेक करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये सारे फसाद की जड़ यही होस पाइप है। दोस्तों ये जो टर्बो का होस पाइप है कैसे निकला पड़ा हुआ है, प्रॉब्लम दोस्तों यही है। ये 100% प्रॉब्लम दोस्तों यही है, ये जो टर्बो का पाइप है ये निकला पड़ा हुआ है। मतलब टर्बो जितना आउटपुट दे रहा है उतना इंजन को जा नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम यही है, इसीलिए ब्लैक स्मोक आ रहा था। तो फिलहाल हम इस क्लैंप को, सरक्लिप को जो है टाइट करके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये सरक्लिप तो स्लिप कर रहा है, यानी कि कहीं पे ये गाड़ी गया हुआ था जहाँ पे इससे क्लैंप को टाइट मारने का कोशिश किए हैं, और एक क्लैंप जो है ये स्लिप हो गया है, इस वजह से ये जो होस पाइप है वो निकल गया है। तो हम फिलहाल इसे नया क्लैंप लगा देंगे। दोस्तों नया क्लैंप लगाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए इसमें स्प्रिंग क्लैंप लगा दिया दूसरे गाड़ी का। ये देखो दोस्तों, इस तरह स्प्रिंग होस पाइप क्लैंप मैं लगा चुका हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको स्टार्ट मार के धुआं ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, पिकअप आया कि नहीं आया। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। दोस्तों जैसे कि आपने देखा धुआं ख़त्म हो चुका है, मगर ये जो थोड़ा थोड़ा जरा जरा धुआं है, ट्रायल कर देने के बाद भी ये धुआं रहता है या नहीं रहता है उसे मैं दिखाता हूँ। फिलहाल इंजन कवर और सीट लगाते हैं और ट्रायल करते हैं। दोस्तों मैं कुछ किलोमीटर ट्रायल कर चुका हूँ, और ये देखिए दोस्तों धुआं। जोर से दो। दो। दोस्तों आपने देखा लगभग धुआं पूरा खत्म हो चुका है। अब आपको मैं ट्रायल करके दिखाता हूँ स्पीड कितना है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पिकअप 80 पार कर चुका है, यानी कि इसका पिकअप प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जो 60 से भी ऊपर नहीं जा पा रहा था, 60 के अंदर रह रहा था, अभी आप देख सकते हैं इसका 80 प्लस पार कर चुका है, और ब्लैक स्मोक भी पूरा ख़त्म हो चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ऐसा वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो। अभी भी मन में डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, नीचे कमेंट करो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों कभी भी अगर ब्लैक स्मोक, वाइट स्मोक, पिकअप प्रॉब्लम, माइलेज प्रॉब्लम आए, तो आप सबसे पहले डीजल लाइन क्लीन करेंगे, और फिर EGR चेक करेंगे, टर्बो चेक करेंगे, उसके बाद में इंजेक्टर चेक करेंगे, यारमास सेंसर क्लीन करेंगे, और बूस्ट प्रेशर सेंसर क्लीन करेंगे, टैपिट चेक करेंगे। इतने में आपका ये सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही होगा। दोस्तों इस चेकअप में हमने जानने को पाया इसका जो प्रॉब्लम था टर्बो के होस पाइप का था, और डीजल लाइन का भी कुछ हद तक था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इस तरह प्रॉब्लम पकड़ में आ जाता है।